हेलो दिलवर हुसैन को लाइन पे ले लो। दिलवर इस दिन वो ओके मिले। हाँ भाई लाइन पे ले लो, मेरे से तो एक इनवाइट यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। रमेश जी व्यक्ति थी बात करी रहे, उनको वो फोन कर रहे हैं मुझे, ठीक है एक्चुअली बिजी बता रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है करो। हाँ चलो आ रहा है। The person you are speaking with. हाँ हाँ फुल हेलो दिलबर, मेरे दिलबर हुसैन क्या है? क्या कह सर? अबे गाना मुजरा कर रहा है क्या? अबे आपको अपनी अम्मा के, अरे कव्वाली गा रहे हैं ना, बरेलियों को कव्वाली वाला सलाम बहुत पसंद है ना। दिलबर मेरे सलाम अलैका। यार कहाँ थे दिलबर हुसैन, टीटीएस विद्युती बरेलवी मुशरिक, कहाँ छुपे थे इतने सालों से? मतलब जब से कोरोना वायरस के आया है, मतलब बाहर आ गए बिल से। अच्छा अपू अपू ये बता, ये कोरोना वायरस की डर से वहाबियों ने मक्का शरीफ के तवाफ को रोक दिया है, तो वहाँ भी अल्लाह से नहीं डरते हैं? कोरोना वायरस से क्या क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा झूठ हंस रहा है। हा? सबसे बड़ा झूठ। क्या झूठ मैंने बोल दिया? अबे कहाँ रोक दिया तब आपको, भी पागल आगल हो गया है क्या? या भांग वांग खा के कोई फेसबुक की बता रहा है, दुनिया देख रही है, वहाँ के लोग बता रहे हैं। कौन से लोग बता रहे हैं? पहली बात देखी है। अरे कौन से लोग बता रहे हैं? तवाफ खाली मेरे भाई, दूसरी जगह ऊपर वाली मंजिल पे भाई वो शिफ्ट हो गया था, नीचे वाली मंजिल पे खाने काबा के आसपास साफ सफाई हो रही थी। ये वो ए दिलबर हुसैन टीटीएस भाई, देखो अगर तुम दोनों बरेलियों को आपस में बात करना है तो फिर भैया हमारा फोन काट दो, और अगर हमसे बात करना है तो एक एक करके बात करो, आपस में बात करो। बताओ किसको लाइन, बापू किसको लाइन पे लियो तुमने, पहले ये बताओ भाई। मेरे साथ है एक है अब्दुल अजीज विद्युती बरेलवी, और दूसरा है दिलबर हुसैन टीटीएस विद्युती बरेलवी। दिलबर मेरे सलाम अलैका। हाँ तो दिलबर मेरे सलाम अलैका सुनो, इतनी अच्छी है, गायकार बनने का शौक है तो गायकार बनना। अच्छा मतलब तारीफ करी थी, देखा अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस में वो टैलेंट है कि विद्युती बरेलवी भी उसका लोहा मान लेता है कि टैलेंट है। तुम लोग की तरह थोड़ी ना हलक फाड़ फाड़ के गायकार आदमी, टैलेंट इतने टैलेंट है कि एक शेर का तर्जमा। भाई भाई पहले ठीक से बोलना सीख दो मेरे भाई, ठीक है? टैलेंट टैलेंट क्या होता है? टैलेंट होता है टैलेंट। तुम्हारा फजलुल्ला एक शेर का तर्जमा। अच्छा सुनो भाई, अभी जो हमारे जो अब्दुल अजीज भाई ने जो इल्जाम लगाया है खाने काबा के ऊपर, तो खाने काबा में खाने काबा के आसपास का जो एरिया था उसको खाली करवा के उसको साफ करवाया गया है, और उसके ऊपर वाले मेरे भाई जो फ्लोर था उसमें तवाफ चालू है, ठीक है? बाद जो खाने काबा के जो आस पास का रेंज है वहाँ पे साफ सफाई है और उसको रोक दिया गया। आदमी बिल्कुल बंद है। कहाँ लिखा है? कुल हा तो बुरान को मिन तुम कुम सादिकीन। अच्छा 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 भाई कौन सी न्यूज में लिखा है, कौन से न्यूज पेपर में आया है, कौन से अखबार में आया है, कौन से वीडियो में है? पागल आदमी है भाई। एक काम करो तुम दोनों लोग खुद ही आपस में हंसी मजाक कर लो भाई, कौन से न्यूज पेपर में तुमने देखा, कौन से न्यूज चैनल पे तुमने देखा, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। जब अल्लाह सुबहानो ताला कुरान में साफ साफ फरमा चुका है कि जब कोई फासिक तुम तक कोई बात को लेके आए तो उसको आगे पहुंचाने से पहले तहकीक कर लिया करो, और तुमने पता नहीं कौन से फासिक क्यों मेरे भाई बात मान के फर्जी झूठ बोल दिया कि यहाँ तवाब बंद हो गया। कहाँ तवाब बंद हो गया? आयत दोबारा पढ़ दो। अल्लाह सुबहान, कौन सा आयत पढ़ना है? अभी पढ़ी हो ना, अभी जो बाद में पढ़ी है या जो इससे पहले पढ़ी है? कुल हा तो बुरान को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं पहले रिकॉर्डिंग कर रहा था। सूरे अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111, कुल हा तो बुरान कुम इन कुन तुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो, दलील दो। कुल हा तो बुरान कुम उससे पहले क्या पढ़े हो? हाथू नहीं है वो, कुल हाथू है। कुल हाथू बुरानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन। क्या 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 चीज? अलिफ जबर आ बा जबर बा पहले सीख लो तुम लोग, बाद में तुम लोग को आयत समझ में आएगी। अभी कुंडे की फातिया आ रही है ना, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं तुम दोनों को नहीं पता होगा?
बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो इतनी देर से। कूंडे की पातिया जो लोग तुम लोग करते हो, तो कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं तुम्हारे बाप को भी मालूम है? अगर मालूम हो तो बता दो, उसको हदीस से साबित कर दो। अगर कूंडे को अरबी में क्या कहते हैं और उसको हदीस से साबित कर दो, मैं आज मेरे भाई तौबा करके बरेलवी विदेशी मुस्लिम बनने तैयार हूँ। दिल पर मेरे सलाम अलैका, ए दिल पर मेरे सलाम अलैका। भाई दिल पर भाई रखो इस कुत्ते के फोन को। ए देखो भागा भागा दिल पर हुसैन टीटीएस भागा, ए दिल पर हुसैन टीटीएस भागो मत यार। अपनी किताब का पता नहीं इन कुत्तों को। एक कोरोना वायरस चुप हो जाओ, एक कोरोना वायरस चुप हो जाओ। जो कुरान को सही नहीं पढ़ सकते, हदीस है कुरान को सही पढ़ना है। चलो ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ कुरान, अरे ठीक है कुरान ही तुमसे पूछ रहे हैं जाहिल की औलाद। अबे तो कुल को कुल ना पढ़े तो क्या मेरे अबे कुन पढ़ दे पागल आदमी? अच्छा हाँ चलो, उन्होंने फोन कर दिया। भाग गया दिलबर हुसैन टीटीएस, भाग गया। भागे नहीं है, ये थे मौलाना दिलबर हुसैन। दिलबर मेरे सलाम अलैका भाग गया। चलो ठीक है, गाना मत गाओ। मैं अजीज भाई गाना नहीं, बरेलवियों का सलाम है। बरेलवी लोग हर चीज को गा गा के पढ़ते हैं ना, या नबी सलाम अलैका, बरेलवी भाई सलाम अलैका, दिलबर भाई सलाम अले। तो भाई जब आप लोग हर चीज गा गा के मेरे भाई पेश करते हो बारगाह में, तो मैं भी आप लोग की बारगाह में भाई मैं भी थोड़ा गा के पेश करूंगा। दिलबर मेरे सलाम अले का बात छोड़ो, ठीक है। ये जो कह रहे हो ये कर रहे हो, अच्छी नहीं कर रहे हो। बहरहाल जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा तुम जो कर रहे हो दीन में, नहीं नहीं मेरे भाई बिदते जात कर रहे हो, वो अच्छा कर रहे हो, और हम तुम्हारे नक्शे कदम पे तुमको मेरे भाई सलाम पेश कर रहे हैं, तो आले साइड हो गया। आपकी जमात है सबसे बड़ी बिदत, तो आपकी जमात है। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा एक दूसरे से जब सलाम करते थे तो नॉर्मल सलाम करते थे, ठीक है? कैसे करते थे? अरे नॉर्मल मुंह से बोल के करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हां तो ऐसे करते थे ना, गा के तो नहीं करते थे ना। क्या कभी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, ठीक है, अल्लाह के नबी को इस तरीके से सलाम पढ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, क्या कभी इस तरीके से क्या मेरे भाई गा के सलाम पेश किया? नहीं पेश किया ना, नॉर्मल सलाम करते थे ना। नॉर्मल ये गाना नॉर्मल, ये क्या, ये अरे तो तुम लोग ने इजाद की है ना बिदत मेरे भाई। तुम जाके अपने आलिमों को कालम पकड़ के उनसे पूछो क्या इजाद की है हम लोग। अरे गाना गा के मेरे भाई बारगाह में सलाम पेश करना, ये तो मेरे भाई बरेलवी की बिदत है। कहाँ गाना गा के पेश करना? अरे मस्जिदों के अंदर सुबह फजर के बाद, मगरिब के बाद मदीना रुख होके लोगों को जमा करके गाना गा के सलाम पेश करते हो कि नहीं? मदीना रुख होके इकट्ठा होके गा गा के सलाम पढ़ते हो कि नहीं? सच सच बताना। पढ़ते कि अदब के साथ पढ़ते कि गा के पढ़ते हैं? अदब भी और गा के, वो तो हमारी शान है, वो हमारी पहचान है। हाँ तो वही तो बता रहे ना, गवैये होना तुम लोग तभी तो गई भाई। ये मतलब थोड़ा गा के सलाम पेश कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मिर्ची क्यों लग रही है? हम अदब के साथ पेश करते हैं, गवैये हो भाई तुम लोग, गवैये तुम गवैये हो, अलाहाबाद के नहीं तुम पक्के देहाती लगते हो गवैये। एक तो तुम्हारी मेरे भाई शान में हमने मेरे भाई इतना अच्छा गा गा के तुम्हारे ऊपर मेरे भाई बिदती सलाम भेजा ताकि तुम लोग को अच्छा लगे, क्योंकि नॉर्मल सलाम करेंगे तो कह दो कि वहाबी के सलाम का जवाब नहीं देते। बिदअत है तो आप अपनी जमात को क्यों, आपको बिदअत से इतनी चिढ़ है? सबसे बड़ी बिदअत तो आपकी जमात है, फिर इसको लात मारो ना आप। कुल्लू बिदअतिन दलाला, या इसमें नहीं कुल्लू बिदअतिन दलाला, तमाम बिदअतें गुमराह हैं। अब बताइए हमारी जो जमात है वो मेरे भाई कैसे मेरे भाई से 1884 में जो मल्लिका विक्टोरिया ने मखसूस नाम दिया, क्या वो जमात नाम उन्होंने दिया? हाँ मल्लिका विक्टोरिया ने नाम दिया, बिल्कुल दिया। इसका भी इतिहास आपको बता देते हैं, हो सकता है तुम्हारे आलिमों ने भी तुमको ना बताया हो, ठीक है? तुम्हारे नहीं नहीं तुम्हारे आलिमों की बात छोड़ दो। जब आजादी की मेरे भाई जो लड़ाई थी वो मेरे भाई, अरे सुन तो लो मेरे प्यारे भाई, ऐसे बात थोड़ी ना होती कि इल्जाम लगा दो। बोलो। जब मेरे भाई आजादी के वक्त, ठीक है, अंग्रेजों ने हमको ये कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम तो देवबंदी हैं या हम तो बरेलवी हैं,
ठीक है, दो उसमें हमको बात का लफ्ज वहाँ पे नहीं है, वहाबी का लफ्ज है, बागी का है, जिहादी का है, और ये बरेलवी का लफ्ज वहाँ पर नहीं है, आप झूठ मत बोलो, ठीक है। अरे अल्लाह के बंदे, मैं आसान तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इबारत नहीं, नहीं, देख के पढ़ रहा हूँ। समझाओ, गलत गलत क्यों समझाओगे फिर, उसमें जब जो चीज नहीं है, बरेलवी तो हक है। यानी कि आपने मान लिया बरेलवी मेरे भाई इस्लाम से बाहर है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ बरेलवी हक पर है, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं अंग्रेजों ने ये नहीं कहा है बरेलवी हक पे, कहा मेरे भाई, कहा चलिए बताइए, इबारत में कहा लिखा हुआ है कि बरेलवी हक पे। अंग्रेज जो फैसला करते थे, भाई अभी आपने कहा ना कि कहाँ लिखा हुआ है, तो अंग्रेजों ने कहाँ पे उतारा है कि बरेलवी हक पे, तो हनफी कौन सी इबारत में उतरा हुआ है कि बरेलवी हक पे है, बस बिल्कुल बिल्कुल हनफी हक पर है। झूठ बोले काला कुत्ता काटे, आला हजरत से डरियो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो मैं ये कह रहा हूँ प्यारे भाई, मसला ये है कि जब मेरे भाई जंगी आजादी थी, तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को जो पहचान दी थी वो अलग अलग नामों से दी थी, ठीक है। वहाबी में शामिल, चलो ठीक है, वहाबी में शामिल हो गए थे वो लोग, जो लोग मेरे भाई इनसे हटके हों बरेलवी से, उनको आमतौर से लोग कहते थे वहाबी, और जो बरेलवी अकायद के लोग थे उनको लोग कहते थे सुन्नी, ठीक है। तो इन दोनों को भाई हमने अपने आप से अलग करने के लिए, जो हमारे उलमा थे उन्होंने वहाँ की मतलब जो सरकार थी उनसे ये मांग की कि ना हम बरेलवी हैं, ना हम देवबंदी हैं, ना हम वहाबी हैं, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, और कानूनी रूप से हमको ये पहचान दी जाए। तो ये तो पहचान के लिए एक कानूनी कार्रवाई होती है, रजिस्टर हुआ था, रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि जब मेरे भाई हुआ उससे पहले वो दुनिया में ही था। ये हदीस शरीफ याद नहीं आती है, मन तशब्बा बे कौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की, तो आप अंग्रेजों से अपनी नाम उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बा बे कौमिन फहुवा मिनहुम, अबू दाऊद उसका हदीस नंबर 4031। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी दूसरे कौम की मुशाबियत इख्तियार की, धार्मिक तौर पे देखा देखी इख्तियार की, वो उनमें से हो गया। अबू दाऊद ऑथर का नाम है किताब के बाद, और हदीस का नंबर 4031। तो अंग्रेजों से आपने अपना नाम अगर आप खुद ही बोलते रहे तो मेरे फायदा क्या, आईने से बात कर लो ना, आईने से बात कर लो। अरे पागल आदमी तुम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब्दुल अजीज भाई करवा रहे हो, आपका आधार कार्ड है? हाँ बिल्कुल है मेरा आधार कार्ड। अच्छा, तो जो आपका आधार कार्ड है वो कौन से साल में आपने बनवाया था? आधार कार्ड तीन चार साल पहले बना था, उससे पहले तो यानी कि 3-4 साल पहले अब्दुल अजीज था ही नहीं इस दुनिया में। अरे तो मेरे क्यों नहीं, मेरे गांव के लोग नहीं था ना, आप तो जानते ना कि जब कोई चीज कागज पे चढ़ाई जाएगी तब से उसकी पैदाइश माना जाएगा, तो उसके पहले वो था नहीं। आधार कार्ड जो है ये दीनी वसूल है, तो आप इसका मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना नाम ये दीनी वसूल है, वो भी तो एक सरकारी मेरे भाई कानून था। अच्छा अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद है, सबसे हदीस मौजूद है, सबसे हदीसों को मानने वाले मौजूद है, और जो हदीस को मानते हैं उनको ही पहले हदीस कहा जाता है। तमाम सहाबा इकराम पहले हदीस थे, तमाम मेरे भाई जो मुहदिसीन है वो अहले हदीस थे, यहाँ तक कि जामे तिर्मिजी में हदीस है, चैप्टर का नाम है अल फितन, उसमें आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ताइफा एक ग्रोह वो हमेशा हक पे रहेगा, और अल्लाह की तरफ से उसके पास आती रहेगी मदद, और कोई दुश्मन उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और तमाम मुहदिसीन ने फरमाया कि जो ये ताइफा है ये असाबुल हदीस है, अहले हदीस है। अंग्रेजों के दौर से पहले, विक्टोरिया के दौर से पहले अहले हदीस जो नाम था वो अल्हम्दुलिल्लाह हदीसों में मौजूद था, लेकिन कानूनी अच्छा। तौर से इसको अंग्रेजों के दौर में भी इसको सरकार को बताने के लिए कि ना अच्छा, हम बिगड़ती बरेलवी है ना कोरोना वायरस से ये हमारा भाई ये पहचान का नाम है मनहज के एतबार से, तो इसमें कौन सा मेरे भाई हम लोग की वो बिदत हो गई? क्यों नहीं, नाम नया रखवा रहे हो, दीन में इजाद करवा रहे हो, तुम नाम हमारा वही है, कानूनी कागज पे चढ़वा रहे हैं,
जैसे आपका नाम आप पैदा हुए मेरे भाई बचपन में, लेकिन आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड आपका बाद में बना, तो इसका माना ये नहीं है कि जब तक आपका आधार कार्ड आपका बना नहीं तब तक आप थे नहीं वजूद में, ऐसा थोड़ी ना। इसका मतलब वजूद में तुम थे नहीं तो फिर इसका मतलब नाम मकसूद। अरे पगले आदमी वजूद में ये पहले से तभी तो मेरे भाई हदीसों में मौजूद है, पहले हदीस का लफ्ज है, यहाँ तक की फिका हनफी में मौजूद है। चलो ठीक है, हदीस को तो आप नहीं मानते हो लेकिन आप हनफी मुकल्लिद हो ना, फिका हनफी की मेरे भाई जो किताब है ठीक है उसमें लिखा हुआ है फिका हनफी हिदाया उसकी जिल्द एक और सफा नंबर 224 पे कि जो जो इमाम बुखारी थे वो अहले हदीस थे। तो इतनी सैकड़ों साल पुरानी मेरे भाई किताब, अंग्रेजों के दौर से भी पहले की किताब, उसमें ये नाम कहाँ से आ गया अहले हदीस? अगर हम अंग्रेजों के दौर में आए हैं तो अहले हदीस तो मेरे भाई उससे पहले मौजूद ही नहीं होना चाहिए था नाम। तुम कहे तुम अभी कहे हो ना सहाबाए किराम अहले हदीस थे भाई, अहले हदीस तो आप भी बन सकते हो। आप अगर अल्लाह के नबी की हदीस को मानोगे आप भी अहले हदीस हो। नहीं नहीं सहाबाए किराम अहले हदीस से बोले हो तुम ना? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, तारीखे बगदाद में भाई उतरा हुआ है शर्फ असाफुल, हाँ जो एक किताब है शर्फ असाफुल हदीस उसमें भी उतरा हुआ है कि सहाबी ने अपने आप को अहले हदीस कहा। किस सहाबी ने कहा वो जरा मुझे बता दो। इमाम अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ तो उन्होंने कहा कि क्या, मैं अहले हदीस हूँ और भी बहुत सारे साहबी हैं, उन्होंने अपने आप को अहले हदीस कहा। उन्होंने कहा है कहा भाई शर्फ शर्फ असाबुल हदीस ये एक किताब है, इसमें मेरे भाई तारीखी बातें उतरी हुई है, बस सनद जो सनद के अतबार से तारीखी बातें जो सही है वो आपको मेरे भाई इसमें मिल जाएगी और तारीखे बगदाद में भी है कि किन किन साहबी ने अपने आप को अहले हदीस कहा। और हमारा तो ये दावा ही नहीं है ना कि जबान से कहना पड़ेगा, हम तो मनहज के एतबार से अहले हदीस है ना, जो भी अल्लाह की बात अल्लाह के नबी की बात मानते हैं उर्फ आम में अहले हदीस कहते हैं उसको। हाँ तुम अल्लाह की बात मानते कहाँ हो, अल्लाह की बात तुम मानते? अरे भाई तो मैं भी कह दूँ कि तुम अपनी अम्मी की बात मानते कहाँ हो, अपने बाप की बात मानते कहाँ हो, तो ये कोई बात होती है भाई? लाओगे ना दुनियावी चीज तुम लाओगे, दुनिया की बात नहीं है भाई। आपको क्या इल्म है भाई, अंतर्यामी बन गए जो आपको सब पता है? आपको इल्म गैब है, अंतर्यामी है आप, क्या आपको सब पता है कौन अल्लाह को मानता है कौन नहीं मानता है? जब तुम बात कर रहे हो कि अल्लाह की बात मानते हैं, आप पहली चीज तो आप खुद ही अपने मुँह से हगते हैं फिर खुद ही अपने मुँह से उसको चाट चाट के सामने रहे हो। अभी आपने अपने मुँह से हगा था थोड़ी देर पहले कि जो हमारी मतलब जो भाई वो जो पहचान है जमात है वो अल्लाह के नबी के दौर में थी नहीं तो ये बिदत है। बिल्कुल नहीं, और जब मैंने साबित कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो इसकी असल मौजूद है वो अल्लाह के नबी के दौर से सबसे आपने मेरे रजिस्ट्रेशन हुआ है। अरे वो तो कानूनी चीज, हम दीनी बात कर रहे हैं तो ऐसे तो मेरे भाई जो मिसाल आप दे रहे हैं ना दीन में दुनियावी मिसाल के एतबार से जब आपका आधार कार्ड बना है तभी हम आपकी पैदाइश मानेंगे। आधार कार्ड बनने से पहले आप अब्दुल हजीज बिदती बरेलवी था ही नहीं दुनिया में। अरे बेवकूफ आदमी, तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड 18 साल की उम्र पे बना होगा तो वोटर आईडी कार्ड बनने से पहले तुम पैदा ही नहीं हुए थे, तुम थे ही नहीं दुनिया में। वही कह रहा हूँ, डायरेक्ट तुम 18 साल की उम्र में आके पैदा होगे। फर्क होता है, दुनिया दारुल है, दारुल जजा नहीं है, ठीक है? क्या नहीं है, क्या नहीं है? हाँ दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है, दुनिया दारुल अमल है। हाँ तो मेरे भाई अपने नाम को कानूनी तौर से मेरे भाई रजिस्टर करवाना, क्या ये मेरे भाई कोई अपराध है? ये तुम्हारा फारूक रजा बेदी चोर आला हजरत फाउंडेशन को सन 2019 में भाई वो करवाता है कानूनी रूप से कि हाँ भाई ये क्या हो गई भाई, ये एकदम साबित हो गए रजिस्टर हो गए, तो क्या अब हम ये कहेंगे कि आला हजरत जो थे वो बाद में पैदा हुए हैं, बाद में इनका नाम भाई क्या क्या रजिस्टर तुम्हारा है? ये जो अंग्रेजों का बनाया हुआ, सुनो अब्दुल अजीज भाई, अब्दुल अजीज भाई आपने जो ये उसूल बनाया है कि जब कोई चीज का नाम कानूनी तौर से भाई आ जाएगा रजिस्टर हो जाएगा हम तब से उसको मानेंगे, उससे पहले उसको नहीं मानेंगे। दुनिया और दीन में फर्क होता है ना,
हाँ तो पहले दिन जो नाम है इसको कानूनी तौर करवाते हैं रजिस्टर, तो ये दीन है कि दुनिया है? अरे तो अहले तो ये जो मल्लिका विक्टोरिया थी ये दीन समझती थी, ये जो दीन का नाम देगी तो क्या पता दीन क्या होता है। तो जो आला हजरत फाउंडेशन तुम्हारे फारूक रजा बेदती चोर ने जो करवाया है कोर्ट में, हमें लेना नहीं है, एडवोकेट बना है ये बताइए। अरे भाई जो कोर्ट है क्या वो तुम्हारे आला हजरत के फतवे पढ़ के क्या वो एडवोकेट बना है? अरे बिल्कुल, अगर कोई शरीयत के खिलाफ अगर कोई फतवा देगा तो बिल्कुल, जो मुसलमान मुसलमान का मुसलमान अगर रहेगा कोई कोई वकील रहेगा तो आला हजरत के आला हजरत कोई वकील बना क्या चीज आला हजरत के फतवे पढ़ के? अगर मजहबी अगर कहीं मजहबी अगर कहीं मजहबी बात हो तो क्या मजहबी मेरे भाई कोर्ट में पेश की जाएगी तो ऑथेंटिक जो सोर्स है वो है मेरे भाई कुरान हदीस। ये जो कोर्ट है ना ये तुम्हारे आला हजरत की कुरान हदीस ही फतवा दिया है, मानते ही नहीं है। आला पूरी दुनिया अरब के लोग यूरोप के लोग कहते हैं कि जज के सामने मैं साबित कर दूंगा कि आला हजरत का जो फतवा है वो अनसाइंटिफिक है और वो कुरान हदीस के खिलाफ है। अरे तुम्हारा तुम मानते कहाँ कुरान हदीस, तुम कुरान हदीस बिल्कुल नहीं मानते हो। आला हजरत जो भी फतवा दिया है हम मानते हैं, वो हम नहीं मानते और जो नहीं मानते वो चीज हम मानते हैं भाई। वाकई में तुमने दिमाग का कुरान हदीस को तुम मानते ही कहाँ हो? अच्छा भाई एक चीज बता दें तुमको, एक मेरे भाई नसीहत कर रहे हैं छोटी सी कि जो कुरान है उसको सूर्य फातिहे से लेकर सूर्य नाक तक एक बार समझ के पढ़ लो तर्जुमे से, ठीक है? उसको मैं नसीहत कर रहा हूँ। अभी तुम ना करो, तुम्हें आता जाता कुछ नहीं, कौड़ी का इल्म नहीं, कलोलों की बात करते हो तुम। पहले तुम्हारे बड़े बड़े उलमा को बनाया है और कितने अहले हदीस लोग भाई वो लिखित में आ जाएगी, अहले हदीस लोग हमसे आ करके बैठ करके अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हुए हैं। तुमको अगर यकीन नहीं है तो बोलो, मैं ला के तुमको मुलाकात करवा दूँ। किससे? वो सब झूठे थे। किससे किससे मुलाकात? कितने अहले हदीस थे, कितने अहले हदीस थे, वो खुद बोल रहे थे कि अहले हदीस जमात बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई हकानियत नहीं है। तीन चार ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं भाई। तीन चार हो या चार सौ सबको मेरा नंबर दे दो और कह दो अगर वाकई में उनकी अम्मी जान अगर भाई वो नेक हो और उनके अब्बा जान नेक हो तो वो अहले सुन्नत अहले हदीस का तुमको भी चैलेंज दे रहे सुन ले बे कान में सांडे के चिल्लाने के। अगर अहले सुन्नत अहले हदीस का एक अमल एक एक अकीदा ऐसा साबित कर दो जो कुरान हदीस के खिलाफ है तो मैं अल्लाह सुबह की कहीं में कसम खाता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं सुबह का सूरज बाद में होगा मैं तौबा करके पहले उसको छोड़ दूंगा उस मसले को। चलिए एक मसला आप बताइए, अकीदा बता दो। चलिए ठीक है मैं बता रहा हूँ आपका अकीदा। आप लोगों का अकीदा ये है कि नबी माज अल्लाह आप मतलब माज अल्लाह बशर है हमारी तरह, ठीक है? ये तो अल्लाह सुबहान तआला का अकीदा है, अल्लाह के नबी का अकीदा है, साहबा का अकीदा है। नहीं आप नबी किस मतलब आप लोग अल्लाह की आयत नंबर 7 में अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है कि आपसे पहले हमने जितने भी पैगंबर भेजे वो सबके सब इंसान थे बशर थे। तो अगर तुमको इसके बारे में नहीं पता है तो अहले जिक्र से पूछ लो। अरे मुझे खूब अच्छे तरीके से पता है ये मैं अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुरान से हो। अरे भाई हमारी तरह तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है सूरह अल आराफ की आयत नंबर 204 में कि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मैं कुरान का जो तर्जुमा है आला हजरत का वो पढ़ रहा हूँ और तुम सुनते हो नहीं बस अपनी ओट में लगते हो। अरे तो मैं वही कह रहा हूँ बात सुनो, तुम कहते हो अहले हदीस का अकीदा ये है कि नबी हमारी तरह बशर है, ठीक है? बिल्कुल हमारी तरह है मेरे भाई बशर है। किस सहाबी ने कहा है? बस एक सहाबी का नाम बता दो। अरे अल्लाह के नबी ने फरमाया है सहाबा से कि मैं तो तुम्हारे कर दूंगा। नहीं नहीं तुम किस सहाबी ने कहा है नबी आप हमारी तरह हैं? अरे नबी ने जब सहाबी से कह दिया कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ नबी तो माज अल्लाह नबी की बात छोड़ ले नबी मेराज नबी भी तशरीफ ले गए थे। मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के नबी की बात पेश कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो किस सहाबी मैं भी अल्लाह के नबी की ही फजीलत बता रहा हूँ। तुम बता देखिए हमारा कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी जो मेरे भाई जो बॉडी है वैसे मेरे भाई जैसे आम इंसान हम और आप हैं, दो हाथ दो पैर दो आंखें
उस टाइप में अल्लाह के नबी आम तौर पे हमारे जैसे थे, बसर थे, इंसान थे, लेकिन जो मेरे पे पावर थी, मर्तबा था, वो सारे इंसानों से बढ़ के था। सारे इंसान एक जगह, सारे सहाबा एक जगह, सारे जो मेरे भाई इमाम है, वली है, एक जगह, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह। यानी कि उनका जो ओहदा था, जो पोस्ट थी, वो सबसे अफजल है। नहीं, फिर ये बात आवाम को क्यों नहीं कहते तुम लोग? तुम्हारे किताबों में ये सब बातें क्यों लिखी गई? चुके हैं भाई कि जब कोई इंसान ये कहता है कि नबी नबी तो हमारे जैसे इंसान थे, तो इसका माना देखिए, किसी की तस्वीर को आप समझेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। नहीं, जो अगर मेरा कॉल है तो उसकी तस्वीर मैं खुद करूंगा। अगर बताओ जो ये कहे नबी हमारी तरह बशर, वो काफिर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, नबी तो है ही हमारे जैसे मशर। दोगला पॉलिसी कर, दोगली पॉलिसी क्यों चलते हो फिर? तो पूरा सवाल आप कीजिए ना, आप ये सवाल कीजिए कि अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे मर्तबे में थे, तो हम उसको काफिर कहेंगे? अरे तो अपनी तरह बनाते ही कि वो, जब तुम्हारी तरह, जब भाई खूबसूरत ने खुद अपने जैसे बनाया भाई, सहाबा से कहा ना कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। सहाबी ने कहा है कि किसी सहाबी, अरे नबी से, अरे सहाबा से, जब अल्लाह के नबी सहाबा से मेरे पर खिताब कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, कभी भूल जाता हूँ। अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे मुझे नबी ने ये भी कहा है, मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह के नबी एक बार अल्लाह के नबी से नमाज में भूल चूक हो जाती है, तो अल्लाह के नबी तमाम सहाबा से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, बशर हूँ, अगर मैं कोई चीज को भूल जाता हूँ तो मेरे को याद दिला दिया करो। तो जब अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, तो अल्लाह के नबी की बात तुम्हारी हुज्जत नहीं है? तो फिर अल्लाह के नबी की ये बात हुज्जत नहीं है कि अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? रसूल और वो मर्तबा बराबर हो सकता है क्या? वो क्या मर्तबा? देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री है वो हमारे जैसा इंसान है, लेकिन लेकिन वो प्रधानमंत्री दुनिया, वो जो ओहदा है प्रधानमंत्री का, या मान लीजिए कि पुलिस वाला है, पुलिस वाला भी इंसान है, इंसान भाई हम भी हैं, लेकिन हम उसी आम इंसान पब्लिक है, और वो पुलिस की पोस्ट पे, तो ओहदे का फर्क है। ठीक है, जब एक तुम बोलते रहो बोलते रहो, हम जानते हैं तुम फंस गए हो, परेशान हो गए, बिलबिला रहो, बोलने नहीं दोगे मुझे? नहीं बोलने दोगे, मैं जानता हूँ। खुद जब यहाँ पे मर जाओगे बोलने दोगे मुझे, क्योंकि मैंने तुम्हारी दुम पे पैर मार दिया है। तुम्हारे अपनी तरह कहे कि चल, तुम फंस चुके हो अपने जाल में। एक अकीदा गलत साबित नहीं कर सकते अहले सुन्नत अहले हदीस का। तुम एक अकीदा, एक ही अकीदे में तुम, एक ही अकीदे, जब मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ कि भाई अल्लाह के नबी आम तौर पे हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन जो ओहदा था उसमें कोई बराबरी नहीं कर सकता। नबी के पैरों की धूल का जो कण है उससे बराबर फरमाते हैं कि अय नबी मैंने आपसे ज्यादा बहुत उतावले क्यों हो रहे हो? इतना उतालू क्यों रहे हो? क्या मेरे भाई, क्या कहीं जाना है, भागना है, ट्रेन छूटी जा रही है? सुकून से बात करो ना। साहब ये कह रहे हैं, साहब ये कह रहे हैं कि अय नबी मैंने आपकी तरह देखा नहीं है, लेकिन वहाँ भी ये कह रहा है कि नबी हमारी तरह है। अरे आपकी तरह देखा नहीं है इसका मतलब क्या कि इंसान नहीं है? अरे भैया कैसे, रसूल है कि इंसान है? वो रसूली तो इंसान होते हैं ना, यही तो अल्लाह ताला के भाई कुरान में कह रहा है ना। है तो फिर अपनी तरह क्यों बना रहे हो फिर तुम? तो भाई, अरे फिर भी किस इंसान, अच्छा एक चीज तो आप मानते हैं ना, अल्लाह के नबी इंसान से भी नहीं थे, ये तो मानते हैं ना? अपने बाप के सामने जाओगे, तुम अपनी अम्मा के सामने जाओगे तो उनसे कह दोगे कि अम्मा तुम इंसान तो हो नहीं, नबी को अपनी तरह बना रहे हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं नहीं, कल को तुम भाई अपनी अम्मा के पास जाओगे तो उनसे कह दोगे कि अम्मी जान आप तो औरत है, इंसान तो है नहीं, है ना? तो आपके वहाँ तो जो औरत होती है वो अलग होता है, इंसान अलग होता है। दुनिया, अरे यार तुम दुनिया और दीन में कि फर्क नहीं दिखाई देता तुम्हें? क्या दीन अलग हो गई, दुनिया अलग है? तुम्हारी जो माँ है क्या भाई वो दीन में नहीं है? क्यों ला रहे हो? तुम्हारी जो माँ है वो दीन में नहीं है? अरे बेवकूफ आदमी, जो माँ बाप की इबादत कर, दीन में क्यों ला रहे हो भाई? माँ बाप की मेरे भाई सेवा करना इबादत है? अरे तो दुनियावी चीज को तुम भाई, दुनियावी अलग, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब तुम महारानी विक्टोरिया को लिया हो, तुम अंग्रेजों को लिया हो, तो वो दीन है, तो वो दुनिया नहीं रहती? मतलब क्या यार, मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा,
मतलब कहाँ कहाँ से भागोगे, कहाँ कहाँ से लपकोगे, तुम लोग की हालत किस तरह से आता है, जवाब तुम दो। इतना अफसोस होता है, इतना तरस आता है कि तुम लोग बेचारे जाहिल हो, तुम्हारे आलिमों ने तुम्हारे मेरे भाई जो दिमाग है ना उसमें जहर भरा है और गोबर और भूसा होता है उसको डाल दिया। साबित नहीं कर पा रहे हो, तुमने कहा एक अकीदा बताओ तो मैं कह रहा हूँ किस सहाबी ने कहा है कि नबी हमारी तरह है। चलो बताओ, चलिए ठीक है भाई। अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, ठीक है, अब्दुल्लाह इब्न उमर यानी कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, उनके पास दो लोग आते हैं और वो उनसे मसला पूछते हैं कि जो ये मसला है इसमें आपके बाप की राय क्या थी। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इस मामले में ये कहा है। तो वो दो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपके अब्बा क्या करते थे, उमर क्या करते थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं, कहने लगे नहीं नहीं, आपके अब्बा क्या करते थे, उमर क्या करते थे। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कौम लूत के जो पत्थर उनकी बारिश हो, मैं तुमसे अल्लाह के मैं तुम पे अल्लाह के नबी का फरमान पेश कर रहा हूँ और तुम मुझसे पूछते हो कि तुम्हारा बाप उमर क्या करता था। तो वही मैं इतनी देर से आपके साथ कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह के नबी की जुबान साबित कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने अपने खुद मेरे भाई जुबान से कहा था कि मैं भी तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, अगर मैं भूल जाया करूँ तो मुझे याद दिला दिया करो। मैं इतनी देर से अल्लाह के नबी का फरमान बता रहा हूँ और तुम बार बार पूछ रहे हो कौन से साहबी ने कहा, कौन से साहबी ने कहा। तो आज मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कौम लूत के पत्थरों की बारिश हो, मैं तुम्हारे सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना रहा हूँ और तुम मुझसे फर्जी सवाल कर रहे हो कि कौन से साहबी ने कहा। जाहिर आदमी बिल्कुल